फ्रेंड्स, मैं नीतू, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीतू आरआर व्लॉग्स में। सो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। ये लोग अधिकतर लोग बैचलर भी बना सकते हैं इसको। आप छोटी मोटी पार्टी या फिर किसी भी चीज में इंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी अब ईद आ रही है तो जरूर चिकन बिरयानी आप भी इस तरह से बनाकर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी बनी है और देखिए बिल्कुल ही खिली खिली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम माइग्रेट कर लेते हैं। हमने चिकन लिया है आधा किलो और इसको धुल लिया है। धुलने के बाद हमें इसमें ये सबसे पहले माइग्रेट कर लेते हैं। हमें मसाले चाहिए होंगे कुछ सूखे मसाले। हमने लिया लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। उसके बाद हमें एक नींबू चाहिए होगा। इसमें हम आधा नींबू अब यूज करेंगे और आधा नींबू बाद में यूज करेंगे। और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है तो इसको माइग्रेट करते हैं। तो इसमें हम नमक मिर्च डाल लेते हैं एक चम्मच। आपको इसमें आधी आधी क्वांटिटी डालोगे, आधी हम इसमें बाद में भी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने एक आधी चम्मच मिर्च ले ली है, हल्दी पाउडर और नमक। यहाँ नमक आप पहले ही अपने टेस्ट के अनुसार निकाल लें, उसमें से आप हाफ इसमें ऐड कर लें और हाफ बाद में बनाते टाइम ऐड करें। यहाँ हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लिया है एक चम्मच बड़ा। और इसके बाद हमें आधा नींबू डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसको हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। सो यहाँ हमने अपना चिकन को अच्छे से माइग्रेट कर लिया और इसको हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद हमने ये सेम टाइम में एक गिलास चावल लिया है और अपना ये हमारा बिरयानी राइस है। इस चावल को हम अपने पानी में भिगो के रख देंगे आधे घंटे के लिए। सेम ये भी उसी टाइम पे हम इसको भी भिगो देंगे ताकि हमारा चावल भी अच्छे से फूल जाए, हमारा चिकन भी माइग्रेट हो जाए। उसके बाद हमने चार मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। हम चार प्याज में से दो प्याज को लंबा लंबा कट करेंगे पिस्ता बनाने के लिए और दो प्याज को बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। और ये हमने तीन टमाटर लिए हैं, इसको भी हम लास्ट में ऐड करेंगे। और हमने दो से तीन हरी मिर्च लिए। तो यहाँ हमने जो एक गिलास चावल लिया था उसको हमने पानी में भिगो दिया था और ये हमें आधे घंटे से ज्यादा हो गया हमें फुलाए हुए। हमारा चावल भी जो है फूल चुका है। और उसके बाद हमने यहाँ चावल से चार गुना ज्यादा पानी लिया है। जो हमने एक गिलास से चावल भिगोया था हमने इस गिलास से एक गिलास चावल लिया था और इसी से हमने चार गिलास इसमें पानी डाला है। अब पानी को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉल ना आ जाए और फिर उसमें चावल को डालेंगे ताकि जो हमारे चावल उसमें एक अच्छा सा शॉक लगे। और पानी हम इसलिए ज्यादा डालते हैं ताकि जो इसका एक गिलास पानी होता है वो हमें निकाल लेना होता है, वो बाद में हम यूज करते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। सो देखिए हमने जो पानी बॉयल होने के लिए रखा था हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। हमने ये जो चावल भिगोए थे इसमें जो पानी था वो निकाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे और चावल को डालने के बाद हम बिल्कुल भी चलाएंगे नहीं, तो हमारे चावल पहले से ही फूले हुए और अगर चलाया तो ये बीच में से टूट जाएंगे, फिर हमारे लंबे लंबे खिले खिले चावल नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए अब इसको ऐसे ही रख देंगे जब तक हमारा 80% बन ना जाए। तो देखिए हमारा चावल अच्छे से बॉयल हो चुका है और हमारा चावल जो है 80% पक चुका है। ये देखिए अब इसको हम बंद करके ढक देंगे और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसका एक गिलास लगभग पानी हम निकालेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमने चावल में का जो पानी था वो हमने निकाल दिया और चावल में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रही। देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं। इसको हम ढक के रख देंगे और उसके बाद देखिए हमने जो आपको प्याज और टमाटर दिखाया था हमने उसको इस तरीके से कुछ कट कर लिया। ये हमारा प्याज बिल्कुल फाइन चॉप हो चुका है, हमारा प्याज भी बिल्कुल फाइन हो गया। हमने हरी मिर्च को ऐसे लंबी लंबी कट कर लिया है। ये हमारा आधा नींबू उसमें डालने के लिए और ये हमारा पिस्ता बनाने के लिए हमने प्याजों को लंबी लंबी स्लाइसेस में कट कर लिया। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक कुकर लेंगे, कुकर हमने गैस पर चढ़ा दिया। कुकर गर्म होने के बाद हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल हम थोड़ा ज्यादा डालेंगे क्योंकि हमें जो पहले हमने प्याज को लंबा लंबा चॉप किया था उसको पिस्ता तैयार करना है। अब बचे हुए तेल में ही हम बिरयानी बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा तेल गर्म हो जा रहा है। सो हमारा तेल गर्म हो चुका है। जब तेल बिल्कुल तेज गर्म हो जाएगा उसके बाद हमने जो ये
लंबा लंबा इस तरीके वाला प्याज कट किया, तो इसको हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। इसी तरह इसको 2 मिनट हो जाने देंगे, जब ये एक साइड से हो जाएगी इसको हम उलट पुलट करके बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको लगभग 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया, और ये देखिए हमारा बिल्कुल डार्क गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसको हम टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। सो ये हमने कुछ गरम मसाले ले लिए हैं खड़े। सबसे पहले हमने ये 4 से 5 लौंग ली है, उसके बाद दालचीनी का टुकड़ा, जीरा और 4 से 5 काली मिर्च और तेज पत्ता। तो हमारा तेल भी गर्म है, तेल में हम अपने खड़े मसाले डाल देते हैं। और सबको 1 सेकंड के लिए छोड़ के इसे तुरंत अपनी हरी मिर्च डाल देंगे, जब ने लंबी लंबी चॉप करके रखी थी। और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे थोड़ा सा, और सबको अच्छे से मिक्स करके इसमें हमने साथ ही प्याज भी डालकर सबको अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि प्याज हमारा हल्का सा गल जाए। और साथ ही साथ हम इसमें अपना जो हमने चॉप किया था टमाटर उसको डाल देंगे। और जल्दी गलाने के लिए हम साथ में जो इसमें हमने नमक रखा था वो नमक डालकर अच्छे से सब चीजों को मिक्स कर देंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि हमारा जो प्याज है और जो टमाटर वो गल जाए। तो ये देखिए हमारा प्याज टमाटर जो भी था सब अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम जो हमने माइग्रेट करके चिकन रखा था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हाई फ्लेम पे करेंगे ताकि जो हमारा चिकन उसमें एक अच्छा सा शॉक लग सके। तो सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको चलाते रहेंगे साथ ही साथ। तो हमारा चिकन हमने 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लिया है, उसके बाद हम इसमें अपने सूखे मसाले कुछ ऐड कर लेंगे। यहाँ हमने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर लिया है, और यहाँ हमने बिरयानी मसाला लिया है सुहाना का। तो हम यहाँ 1 पैकेट पूरा डाल देंगे। और इन दोनों को भी डाल के इसको 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने जो चिकन में सूखे मसाले ऐड किए थे देखिए अच्छे से पक चुके हैं और तेल भी छोड़ दिया हमारा। अब इसमें हमारा जो चावल में से हमने पानी निकाल दिया तो उसको लेयर बाय लेयर से बिछाएंगे। हम इसमें 3 लेयर बिछाएंगे। तो सबसे पहले लेयर डालते हैं इसमें हम चावल की। तो इस तरीके से हम डाल के बिछा देंगे कुछ चारों साइड से। सो हमने इसमें चावल की 1 लेयर डाल दी, उसके बाद हमने जो ये पिस्ता किया था देखिए हमारा कितना ठंडा होने के बाद एक एक चावल इसमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। और इस तरह से इसमें हम लेयर बिछा देंगे पिस्ता की भी। इसके बाद हम इसमें बिरयानी मसाला है हमारा दूसरा पैकेट है हमारा, इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के लेयर के ऊपर। सो ये हमारा वो पानी है जो हमने चावल में से निकाला था 1 गिलास पानी, और इसको हमने यहाँ डाल दिया है। सो यहाँ हमने पानी डालने के बाद ये चावल की दूसरी लेयर डाली है, और इसको भी अच्छे से फैला करके इसमें पिस्ता डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें भी पिस्ता डाल देंगे, और यहाँ हमारा बिरयानी मसाला फिर से डालेंगे। सो हमने चावल की फाइनली और लास्ट लेयर डाल दी है, उसके ऊपर से हम ये जो हमारा पिस्ता बचा हुआ है वो डाल देंगे सभी को। सो यहाँ हमने नींबू इसमें डाल दिया था
जो हमने आधा कटा हुआ नींबू रखा था वो हमने इसमें डाल दिया अच्छे से। और अब हम जो बचा हुआ मसाला है हमारा बिरयानी मसाला वो सबको डाल के, तो हमारे इसमें तीन लेयर डाली है, उसके ऊपर से हमने फिर पिस्ता डाला है और फिर साथ के साथ हमने बिरयानी मसाला भी ऐड किया है। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। सो ये हमने एक चम्मच बड़ा चम्मच से घी ले लिया और इस घी को चारों साइड से डाल देंगे ताकि जो हमारा कुकर में है चिपके ना। और हमारा जो एक गिलास में और बचा हुआ पानी वो भी हम ऐड कर देंगे। तो ये हमने सब चीजों को डाल दिया और इसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और एक सीटी आने तक इसको पक जाने देंगे हाई फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स ये हमारी सीटी भी आ चुकी है, इसको हमने ना ज्यादा मीडियम फ्लेम पे लगाई है और ना ज्यादा हाई फ्लेम पे, हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करके एक सीटी आने दी है। इसको सीटी को निकल जाने देखते हैं, उसके बाद मैं आपको चिकन दिखाती हूँ, बिरयानी दिखाती हूँ किस तरह से। सो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बिरयानी कितनी अच्छी बनी है, हमारा एक एक चावल बिल्कुल अलग है, हमने सीटी खोल के देखा बहुत ही अच्छी दिख रही है। चलिए इसको सर्व करते हैं। तो इस तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं साइड में कि ये जला तो नहीं है। सो ये देखिए फ्रेंड्स कितना तेल है नीचे, तेल और घी दोनों जो छोड़ दिया और ये बिल्कुल भी हमारा जला नहीं है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। देखने में कलर आया और कितना अच्छा है, बिल्कुल भी जला नहीं है, एक एक चावल अलग अलग है। सो देखिए फ्रेंड्स कितना देखने में भी अच्छा लग रहा है, हमारा एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग हुआ, ये देखिए आप। और ये देखिए हमारा पीस भी बिल्कुल जो है गल चुका है, देखिए। सो फ्रेंड्स हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी रेसिपी जरा भी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।